नमस्कार, आप देख रहे हैं लर्निंग मंत्रा का ऑनलाइन पाठशाला और मैं हूं विवेक मिश्र। दोस्तों, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में थोड़ी सी आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे जो आने वाले ऑनलाइन कोर्सेज हैं या फिर ऑनलाइन जो हमारी कक्षाएं चलेंगी उनमें आपको कौन कौन सी सुविधाएँ मिलेंगी, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और किन किन एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किस किस एग्ज़ाम के लिए आपको अभी फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध हो पाएंगी। तो उसमें सबसे पहला जो आपका बहुत ही ज़्यादा प्रतीक्षित था वो था उत्तर प्रदेश में TGT का एग्ज़ाम और उत्तर प्रदेश में ही PGT का एग्ज़ाम। ये आपके दो बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है टीचिंग के क्षेत्र में, सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम ये होते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। तो यहाँ पर आपको TGT और PGT के लिए क्लासेस उपलब्ध होंगी। दूसरा जो कोर्स हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेगा वो आपको मिलेगा UGC का, और जो तीसरा कोर्स आपको मिलेगा वो है RPSC फर्स्ट ग्रेड का। ये सबसे पहले मैं ये क्लियर करूं कि ये जितने भी कोर्सेस आपको हैं इन सभी कोर्सेस के लिए आपको क्लासेस अलग अलग मिलेंगी, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम की डिमांड अलग अलग होती है। अगर हम चाहें कि RPSC वाले सिलेबस को हम किसी और के साथ मर्ज करें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि RPSC का सिलेबस कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, UGC का सिलेबस और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन वहाँ का अलग है, TGT और PGT का स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन अलग है। तो आपको हर एक कोर्स के लिए अलग अलग बैचेस मिलेंगी, अलग तरीके से सभी को पढ़ाया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट जो आता है कि आपको विषय कौन कौन से मिलेंगे, इन सभी कोर्सेज के लिए कौन कौन से विषय आपको मिलेंगे। तो विषय आपको मिलेगा राजनीति विज्ञान, दूसरा मिलेगा आपको भूगोल, और तीसरा आपको मिलेगा इतिहास। तो ये आपको तीन विषय मिलेंगे, इन तीनों विषयों में आप राजनीति विज्ञान, भूगोल और इतिहास विषय अगर आपका TGT में हो, PGT में हो, RPSC में हो, UGC में हो, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। एक चीज़, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सोशल साइंस में हमें कौन से विषय BA स्तर पर होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में आपको कुल चार विषय आपको सामान्य रूप में देखने को मिलता है, उसमें से एक होता है इतिहास, दूसरा होता है राजनीति विज्ञान या इसी को वहाँ पर सिविक्स भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस होता है, और उसके बाद होता है भूगोल और अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। यहाँ पर आपको ये चार विषय मिलते हैं। अब आपके ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में इन चारों विषयों में से किसी भी दो साल कोई भी दो विषय आपका होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि तीनों साल में आपको कोई न कोई विषय होने चाहिए, किसी दो साल में इनमें से कोई भी दो विषय अगर आपका है तो आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहा है कि हमें VA में कौन कौन से विषय रखने होंगे जिससे हम सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो कन्फ्यूज़न था आपका वो दूर हो गया होगा। तो हम लोगों ने दो पॉइंट पर बात करा है, एक में हमने कोर्सेज की बात किया है, दूसरे में हमने सब्जेक्ट की बात किया है। अब तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी सुविधाएँ आपको मिलेंगी। तो हम लोग इसकी बात करते हैं, कौन कौन सी आपको सुविधाएं मिलेंगी। पहली और जो सबसे एसेंशियल है वो है आपके लेक्चर। लेक्चर भी आपको दो तरीके से मिलेंगे, एक मिलेगा आपको लाइव क्लासेस और दूसरा होगा रिकॉर्डेड, यानी कि वीडियो आपको रिकॉर्ड करके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा तो वहां से आप उसको देख सकते हैं।
इसके अलावा वेबसाइट के जरिए ही एप्लीकेशन के जरिए आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, जहां पर आप क्लास के दौरान ही हमसे सीधा इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सवाल अगर आपका रहेगा तो वहां पर आप हमसे सीधे सवाल को पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब वहां पर मिल जाएगा। दूसरी जो सुविधा है वो आपको है क्लास नोट्स का, क्लास नोट्स का। तो हमने आपसे पूछा था कि क्लास नोट्स आप क्लास में ही लिखना चाहेंगे या फिर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो मिले जुले आपके जवाब मिले हैं, इसलिए हम भी क्या करेंगे कि आपको मिला जुला व्यवस्था करेंगे। कुछ आपको हम पीडीएफ दे देंगे, जहां पर लगेगा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और कुछ ऐसे भी क्लास मिलेंगी जहां पर आपको क्लास में ही वो क्लास लेक्चर लिखवाया जाएगा, तो वहां पर क्लास नोट्स भी मिल जाएंगी। यहां तक क्लियर हुआ? अब आप क्लास लेक्चर पढ़ने के बाद, क्लास नोट्स के बाद अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने तीसरी सुविधा रखा है आपके लिए, डाउट क्लियरिंग सेशन। डाउट भी आप क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल पूछेंगे, उसका हम आपको वीडियो बना करके भी जवाब देंगे। दूसरा तरीका ये है कि प्रत्येक शनिवार को आप सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक हमारे संस्थान में आ सकते हैं, सीधे आप सामने बैठ करके अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। तो ये हमारी है डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए व्यवस्था, कि आप कमेंट के माध्यम से या फिर आप हमसे सीधे ऑफिस में आकर के मिल सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो कि ऑफलाइन में आपको मिला करती थी, आपको डाउट हो सकता है कि यहाँ पर मिलेगा कि नहीं, वो होता है चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, वो सबसे ज़रूरी होता है। आप पढ़ाई कितनी भी कर लें, आपको प्रैक्टिस करना सबसे ज़रूरी है। तो यहां पर चौथे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे सेल्फ एनालिसिस की। आप अपने आप को कैसे ये देखेंगे कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। तो सेल्फ एनालिसिस में आपके लिए होगा टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर आपको कैसे मिलेगा? टेस्ट पेपर के लिए आपको पीडीएफ, हमारे द्वारा पीडीएफ टेस्ट भेजा जाएगा, उसको आप सॉल्व करेंगे, अपनी आंसर शीट हमारे पास आप व्हाट्सएप करेंगे और उसका मूल्यांकन करके आपको रिजल्ट बताया जाएगा कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। और ये टेस्ट पेपर भी हमारे कई तरीके से होंगे। एक तो होगा टॉपिक वाइज, जो टॉपिक आपका ख़त्म होगा उस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, चाहे उसको आप प्रैक्टिस मान लीजिए चाहे उसको टेस्ट मान लीजिए। इसके बाद तकरीबन 15 डेज पर आपका जितना भी हुआ रहेगा उस पर टेस्ट होगा, और जैसे ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका एक फुल टेस्ट होगा पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपके लिए एक मॉक टेस्ट या यूँ कह लें कि गेस पेपर हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। वहां से आपको सवाल भी मिलने की उम्मीद रहती है। सवाल अगर आपको सीधा नहीं मिलेगा तो कम से कम आपको उस तरीके के क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट टीम उसको गेस करेगी, तो इसलिए आप मॉक टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस के हमारे इतने सारे तरीके हैं, इन सारे तरीकों से आप अपनी सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपने कितना सीखा हमसे इसकी आप अपने से जानकारी भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट सेल्फ एनालिसिस का। इसके बाद अगर हम एक पॉइंट और जोड़ लें कि अगर आपको पढ़ते समय कभी भी डाउट लग रहा है तो व्हाट्सअप मैसेज के जरिए भी हमसे आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग भी एक टाइम डिसाइड करेंगे कि आप क्वेश्चन उसी के टाइम ड्यूरेशन में ही पूछेंगे। तो ये हो गया हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। अब दो महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए और हैं। अगर आप हमारे राजनीति विज्ञान की वर्कबुक लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान अभ्यास सीरीज के नाम से हमारी बुक है, आप उसको भी ले सकते हैं। चैप्टर वाइज उसमें सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिसको आप अभ्यास करके अपनी तैयारी के लिए एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए
पढ़ नहीं सकते हैं, वीडियो लेक्चर नहीं ले सकते हैं, या कोई अन्य संसाधन आपके पास उपलब्ध नहीं है, या आप उसको लेने में असमर्थ हैं, तो हमारे क्लास नोट्स भी आपको उपलब्ध हैं। क्लास नोट्स भी आप ले सकते हैं, घर पर खुद ही इसकी पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं हम अपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से लेकर आ रहे हैं, और ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल, इन तीनों विषयों में मिलेंगी। तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करिए, चाहे क्लास नोट्स की बात हो, चाहे बुक की बात हो, चाहे क्लास की बात हो, किसी भी तरीके की अगर आपको बात करनी है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हमको फ़ोन कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर नीचे आपको स्क्रॉल हो रहा है, उस पर आप हमको फ़ोन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है, खास करके TGT, PGT और UGC, RPSC फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से, तो हमें आप फ़ोन करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके लिए आगे एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी, इसको हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे, किस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। learningmantra.in पर आप लॉगिन करके हमारे कोर्सेज के बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी बातें आज के वीडियो में बस इतनी ही, एक इन्फॉर्मेशन आपको देना था। उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट आपके इस कोर्स को, इस प्रोग्राम को लेकर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप फ़ोन उठाइए और कॉल करिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आप देखते रहिए लर्निंग मंत्रा का ऑनलाइन पाठशाला। जय हिंद, वंदे मातरम।